जो नुकसान साडा हो रहा साडे नौजवानों नूं किवें जख्मी किया जा रहा, लत्तां तोड़ियां जा रही, गोलियां मारियां जा रही ने, सिर पाले जा रहे ने। यह कहते लोकतंत्र है, यह हुंदा लोकतंत्र? असले प्रभु पंजाब नाल नहीं है, यह दिल्ली नाल ही है। उधरों अमृत शाह नाल मीटिंगां हुंदियां ने, फोन ते गल्लां हुंदियां ने, जो हुक्म उपरों आउंदा है उत्थे इत्थे लागू करदे आ। इत्थे लोकां दी अखां पुंजण दे लई ड्रामा कीता जा रहा है। भगवंत कहना मैं पंजाब दे नाल आ। आपां खनौरी देखिया, दो दिन हो गया आपां नूं बैठिया नूं, हजारां दी गिणती दे विच पंजाब पुलिस कल लई लई गई आ बई। उत्थे जिहड़ा बंदा आया सवेरे इस मोर्चे दा खिलाफ, यह मुखालफत करता इस मोर्चे की, ये खिलाफ मोर्चा खोलता इस मोर्चे के, तो वह पंजाब का नहीं है। अगर चेते रखियो जिथे पंजाब अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहा है, उत्थे पंजाब का मुख्यमंत्री एक पासे ये गल कहिंदा है कि मैं किसानां दे नाल आ, मैं मजदूरां दे नाल आ, मैं पंजाब दे लोकां दे नाल आ। सारियां कहिंदा एंबूलेंसां खड़ाईयां होईयां ने बार्डरां ते, हस्पतालां दे विच डाक्टरां नूं कहा होया कि असीं पंजाब दे नाल आ। एक पासे भवंसों बोलदा है कि मोदी तू धक्का कर रहा बार्डर के उत्ते, किल ला रहा बार्डर के कंधा कढ़ रहा है। एक पासे एक कुछ चल रहा, दूजे पासे जे आपां नूं पता कि मोर्चा उन्होंने बहुत मजबूत करके लाया हुआ कि कंधा कुंधा कटियां हुई ने। जे अज अपने नौजवान साथी कुछ इत्थे पोकलैन मशीन लेके आ रहे सी, अज इथे पंजाब पुलिस ने पातलां दे विच उन्हां नूं घेर के धक्का मुक्की करके उन्हां दे नाल गालां भी कढ़ियां, दस्सिया गया है कि उन्हां कोलों इन्हां ने पंजाब पुलिस ने पातलां दे विच जिहड़ी जेसीबी मशीन आ खोह लई आ। इक पास ड्रामा की हो रहा भी मैं पंजाब नाल आ, असले प्रभु पंजाब नाल नहीं है, दिल्ली नाल ही है। उधरों अमृत शाह नाल मीटिंगां हुंदियां ने, फोन ते गल्लां हुंदियां ने, जो हुक्म उपरों आउंदा उत्थे इत्थे लागू करदे आ। इत्थे लोकां दी अखां पुंजण दे लई ड्रामा कीता जा रहा है कि असीं पंजाब दे नाल आ। भवंसिया एक मिंट भाई, एक मिंट गल पूरी हो जाण दो मेरा वीर। साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच कोई भी बंदा, कोई किसान ट्रैक्टर ट्राली नहीं लेके बैठ सकता। पुछण वाला होवे भाई, जिहड़ा अजीत सिंह नगर मोहाली है, जिला है वो पंजाब दा है, वो हरियाणे दा जिला है। राज पंजाब दे विच बीजेपी दा है कि भगवंत मान दा है? नैट भी बंद है, इत्थे पातड़ी खड़े हो, नैट 5 दिन तो बंद है इत्थे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੱਲਾ ਪਾਤਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਊ ਬਾਰਡਰ ਖਰੋਰੀ ਵਾਲਾ? 15-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਭਰਾਵੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲ ਲੜਿਆ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
जो नुकसान साडा हो रहा साडे नौजवानों किवें जख्मी किया जा रहा लत्तां तोड़ियां जा रही गोलियां मारियां जा रही ने सिर पाले जा रहे ने यह कहते लोकतंत्र है यह हुंदा लोकतंत्र पर भरावो आपां बहुत छेती भुलदे आं सो इस करके भाई तुहानू सारयां नू बेनती आ नौजवानों तुहानू खास करके जे जाबते च रहोगे थम्मा रखोगे शांति बना के रखोगे तुहाडा संघर्ष जित्या पिया पर जे माड़ा मोटा भी तुसीं इन्हां दे जो ये चाहते है उधर नू चढ़ गए लीह ते चढ़ गए तो याद रखियो संघर्ष भी फेल होना है ते नुकसान भी पंजाब दा ज्यादे होना लिखे भाई तेरी सोच ते भगवंत कहना मैं पंजाब के नाल आप खनौरी देखिया दो दिन हो गया आप बैठिया हजार की गिनती दे पंजाब पुलिस कल नहीं लाई गई है भाई उत्थे अज मैं शंभू तो उतरिया आया उतले पास्यों उत्थे भी हजार की गिनती दे पुलिस बैठी है जेडे साडे ट्रैक्टर ट्रालियां जांदियां गड्डियां जांदियां तलाशी लैके लगाउंदे आ वोटां भी खिंच रहे निशानदेही भी कर रहे पिंडां दे विच भी केड़े केड़े बंदे अगे लगे निशानदेही करके उन्हें दबाव भी पा रहे आ सो भरावो जी अज भी पंजाब ना उठिया अज भी पंजाब घरां च बड़ा रहा तो याद रखो यह खात्मा पंजाब का तय है नीतियां इन्निया खतरनाक आ रही ने कानून ने खतरनाक आ रहे ने सो बार बार पंजाब नूं बेनतियां करदे आ जिहड़े हुण भी घरां च बैठे सवाल लई जांदे आ ਜਾਂ ਮਗਰ ਬਥੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਮੋਰਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਬਤੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੇਕੰਟਰੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਦਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਮਗਰ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖਦਰਾਂ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
दीप सिद्धू अज ओरी बख्शी है। एक नारा मैं एक जकारे की गल करूंगा जो सानू दीप सिद्धू की सोच नू समर्पित होके अज की बरसी के उ जकारा छड़ना चाहिए। बुलंद आवाज दे विच जवाब दियो, बोलो सोनिया। याद होना 26 जनवरी तो बाद सानू गदार का खिताब दे दिता गया सी दिल्ली, पर मैं किसी कोई गिला नहीं किया। मेरा अज भी किसी ना कोई गिला नहीं, कोई गल नहीं, बहुत गल्ला हुंदियां ने, पर मेरी कोई सोच रही है भाई एक मिनट, मेरी कोई सोच सी मैं जे पंजाब हार गया ना दिल्ली उदो पंजाब दे लोकां दा मनोबल टुट जाना, मुड़ के लोकां ने उठ के लड़ना नहीं खड़ना नहीं ते ए हमले साडे तेज हो जाने आ। अज ही मैं यही कहना है अज आप बिलकुल मोर्चा जीती बैठे है। नौजवानों खास ख्याल रखियो, एक भी गलती नाल अपना मोर्चे का नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान है पंजाब का, लोगों ने निराशता भी जानी है ते मनोबल भी टुट जाना। सो इस करके मेरा वीर हर कदम जरा संभल संभल के रखना पैना। सो हम अभी भाई मीटिंग करते हैं, सुरजीत फूल जी आए हुए ने, होर आगू खड़े ने, जेड़ा भी फैसला होने ये भवंत फैसला कर ले, भवंत फैसला कहने कोई गल नहीं, जिथे दिल्ली वाली फौजा खड़िया है उथे भवंत भी होगी कोई गल नहीं, भवंत फैसला कर ले। हुण भवंत फैसला कर ले कि साडियां जेसीबियां फड़दियां, साडियां ट्रालियां फोलनियां तराशियां लैनियां, साडियां गड्डियां तराशियां लैनियां, साडे जिहड़े मुंडे आउंदे ने फोटोआं खिच्चणियां कि पंजाब दे नाल खड़ना। इह हुण भवंत फैसला कर ले, जो आ करतूत इत्थे अज कीती है पंजाब पुलिस ने फड़िया साडा हैडर। मैं रात ही बोलिया सीगा इह गल, मैं सानू हैडरियां दी लोड़ है भाई, मशीनां दी लोड़ है जेसीबियां दी, अज नौजवान उपराला करके ले आए अज ओह फड़ ले। इदू पहला भी 3 मशीनां जेसीबी इत्थे पंजाब पुलिस ने फड़ियां ने। सिरा साफ मतलब सानू समझ आउंदा है कि जो मर्जी इह कही जाण पर सीधे रूप दे विच इह मोदी नाल अमित शाह नाल मिले होए ने, उत्तों गल हो रहा विचों इह कहानी भी इह अगे वधण नहीं देणे, इहनू रोक के रखो, इत्थे भी पूरा जोर लग्या होया। सो इस करके भाई मैं आगू ना गल करदा, जो फैसला होगा वो तुहाडे अगे आपां सामने रखांगे भी जो गुराय बनदी आ भी की करना। पर मैं बेनती फिर करदा, उधरों मीटिंग चली जांदी है, उधरों मीटिंग चलदी है, मीटिंग दे विच भवंत मान खुद बैठा, केंद्र दे कोई मंत्री आए हुए ने, साडे आगू गए हुए ने, इधरों कहिंदे हैडरे फड़ लो, मशीनां फड़ लो, ट्रालियां फड़ लो। इस करके भाई अगली कारवाई जिहड़ी स्टेज तों चलूगी।